दबा दिया है। ये अभी आप पर्यावरण सेवा देख रहे हैं कि एक जामुन का पेड़ कलकत्ते से मैंने मंगाया है, पेड़ को एक पेड़ को लगाने के लिए दो दिन से हम इसमें गड्ढे को तैयार कर रहे हैं। इधर दिखाइए, ये सब इधर दिखाइए, ये सब इतने ईंटें निकालने के बाद एक पेड़ हमको लगाना पड़ेगा। ये शहर के अंदर की यह पर्यावरण सेवा है। बाकी यहाँ जंगल था तो सब जंगल था तो सब कटवा दिए, सब जंगल ये वो। अब सब देखिए, एक ट्रक तो खाली इसके अंदर यहाँ झिल्ली कूड़े पड़े हुए थे, तो हमने घर में डांटा कि भैया इसको बाहर डाला करो। कहीं वो कोई उठाता नहीं, हम कहा उठाएगा कैसे, नहीं आप बाहर अपने कूड़े डालते रहो एक जगह पर। तो कहने का मतलब है कि हम एक आपको 29 जुलाई 2017 की मैं बात बता रहा हूँ। आंटी को बुला लो, आंटी को बुला लो। और क्या नाम, वो एक नमूना दिखा रहे हैं, एक ट्रक पीछे अंदर पड़ा हुआ, इधर दिखाइए, एक ट्रक पूरा पीछे पड़ा है, एक नहीं। अच्छा हाँ, उसको भी दिखा दीजिए, बाहर लेकर डाल पाए। अब यहाँ कोई उठाने वाला नहीं, वावे तो नहीं नहीं हाँ बाहर को अंदर को अगल बगल के अंदर आ जाइए। तो रिकॉर्डिंग चल रही है, सुंदर बगल में। तो एक हमने नमूना दिखाया आपको कि एक पेड़ लगाने में कलेजा फट जाता है, क्योंकि शहर का मामला है, पता नहीं कहाँ दीवार पड़ गया, क्या पड़ गया, सारे इतने कूड़े कबाड़े इकट्ठे हैं, यहाँ सब कूड़े इकट्ठे हैं, अब सबको बाहर डलवा रहे हैं ताकि पालिका वाले कहें भैया उठा ले जाओ। घर के अंदर लोगों में लापरवाही थी, कूड़े फेंक फेंक के। इधर दिखाइए, उधर सब पूरा जंगल देखिए, पूरा जंगल सब काट करके अब इसमें हमने कीड़े गाड़ दिए हैं ताकि हरियाली हो, कुछ उत्पाद बढ़े। अरे कुछ भी भाई केला होगा हम खाएंगे, कोई आएगा बंदर आके खाएंगे यहाँ पर। तो अपनी वाणी को हम विराम दे रहे हैं। और ये क्या नाम, और हम अभी कल हमारा राष्ट्रपति जी जो हमारे हुए हैं रामनाथ जी, और ये बड़े संयोग की बात है, प्रभु की लीला है कि देखिए भगवान के नाम से प्रधानमंत्री, भगवान के नाम से राष्ट्रपति, और उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का जो हार्ट है वहाँ भी वो भगवान बैठे हुए हैं, आदित्य सूर्य बैठे हैं। ये सब ये गॉड गिफ्टेड है, ये हमारे आपके बस की बात नहीं है। तो उनका आप लोग कदर करो, टीका टिप्पणी मत करो। टीका टिप्पणी करोगे तो आप अंजाम देख रहे हैं सब, एक से एक ईमानदार जो है अवकात में आ रहे हैं बिहार में, देख लीजिए आप ये क्या है, आखिर क्या है। नीतीश ईमानदार थे तब वो देखिए नीतीश नीतीश का नाम हो रहा है। तो ईमानदारी बरतो, ईमानदारी बरतने की बड़े त्याग की जरूरत है। मोदी जी को देखिए कितना त्याग, कितना बड़ा त्याग उस आदमी ने किया है, योगी है मोदी है। अरे इनकी घर घर पूजा करो, इनका मनोबल बढ़ाओ ताकि हमारा देश आगे बढ़े। ये मैं 81 का हूँ, इस उम्र में हमको ये खुशी हुई कि हमारे संसद में जय श्री राम के नारे लगाए सभी लोगों ने। ये तभी तो एक हिंदुस्तान है, तभी हम हिंदू हैं। हिंदू हिंदू हिंदुस्तान, कौन हिंदुस्तान कहाँ था, 70 साल का क्या हुआ है अब बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय मोदी, जय योगी, जय बीजेपी।